के साथ साथ केवल कृषि खाद्यान्न उत्पादन में बल्कि औद्यानिक फसलों के उत्पादन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज इसीलिए राज्य सरकार ने किसान सम्मान दिवस के अवसर पर उन्हें यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया। महत्वपूर्ण बात है कि 2014 के बाद जो धरती माता हम सबको पेट भरने के लिए न केवल अन्न देती है बल्कि हमारे स्वावलंबन और सम्मान का आधार भी बनती है, उस धरती माता के सेहत की रक्षा के लिए स्वायत्त कार्ड की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की। पहली बात फसल किसान फसल बीमा योजना, किसान ने किसानों के कल्याण के लिए देश के अंदर न केवल तमाम प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो इसको भी हम सब आप देख रहे हैं। वही बहनों इसी का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विगत 5.5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए सरकार के आने के साथ ही मार्च 2017 में सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सबसे पहले हम लोगों ने अपने हाथों में लिया। देखा 5.5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हुए लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई और आजाद भारत में पहली बार हुआ जब किसान देश की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना और ईमानदारी से योजनाएं उस तक पहुंची, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या लागत का 1.5 गुना MSP लागू करने का कार्य हो, ये सभी प्रभावी ढंग से लागू हो रहे हैं। खेत में तकनीक का भी उपयोग हो सकता है, यह हम लोगों ने विगत 8 वर्ष के अंदर देश के अंदर होते हुए देखा है। और इसीलिए अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ही बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को अब तक 51,000 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है विगत 5.5 वर्ष के अंदर। प्रदेश के अंदर चाहे वह धान हो, गेहूं हो, दलहन तिलहन, इन सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड मात्रा में क्रय केंद्रों के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के अन्नदाता किसानों से सीधे क्रय करने का कार्य जहां उनके उत्पाद को किया गया वहीं उन्हें MSP DBT के माध्यम से उनके अकाउंट में देने का कार्य भी किया गया। और जैसे यहां पर कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि 1,84,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हुआ, कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया गया बल्कि जब तक किसान के खेत में गन्ना का एक भी डंठल होगा तब तक चीनी मिलें चलेगी, इस विश्वास के साथ प्रदेश के अंदर सभी 120 चीनी मिलों को चलाया गया। इससे पहले होगा क्या? इससे पहले चीनी मिल मालिक अपनी मर्जी कर मन मर्जी करते थे, सरकार उनके सामने मौत बनी रहती थी, कॉपरेटिव ऑफ फेडरेशन के नाम चीनी मिलों को पिछली सरकारों ने बेचा था लेकिन इस सरकार के समय बेची नहीं गई बल्कि नई नई चीनी मिल लगाई गई। चौधरी साहब की स्वयं की कर्म भूमि का चीनी मिल जो जर्जर अवस्था में थी वहां पर एक नई चीनी मिल की स्थापना करवाई गई। मुंडेरवा में किसान आंदोलन हुए थे, कई किसान शहीद हुए थे, वहां पर एक नई चीनी मिल लगाई गई। गोरखपुर के पिपराइच में एक नई चीनी मिल लगाई गई, मोहितपुर चीनी मिल की क्षमता का विस्तार किया गया, नसीमाबाद की चीनी मिल का विस्तार किया गया, तमाम अन्य कदम उठाए गए। आज खेती किसानी में लगे हुए हमारे अन्नदाता किसान न केवल इस क्षेत्र में बल्कि
मजबूती के साथ आगे बढ़ करके प्रदेश की कृषि विकास की दर को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि स्वयं भी सम्मानजनक ढंग से न केवल अपनी मेहनत से बल्कि शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। यह एक नई स्थिति है हम सबके सामने और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की से जहां पर लघु और सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा है, स्वाभाविक रूप से तकनीक अपनाने के लिए आवश्यक है कि हमारे पास खेत का जोर ज्यादा हो। जैसे पास एक बीघा खेती होगी वह किसान तकनीक को कितना अपना पाएगा उसकी बात नहीं आ पाएगी, और इसीलिए कृषक उत्पादक संगठन इस दिशा में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। भाइयों बहनों, अगर उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था की एक ग्रोथ इंजन के रूप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है तो हमें कृषि विकास की दर को वर्तमान दर से दोगुना करना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी क्षमता है, उत्तर प्रदेश इसको कर सकता है। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर कुल आबादी का, देश की आबादी का 16% हिस्सा आबादी का उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 16% आबादी यूपी में है। कृषि की जो भूमि है हमारे पास तो मात्र 11% है। देश की कुल कृषि के योग्य भूमि में से 11% भूमि हमारे पास है, लेकिन जो 11% भूमि है यह देश की सबसे उर्वरा भूमि है और सबसे अच्छा जल संसाधन भी हमारे पास है। अगर हम अपने यहां के जल संसाधनों का उचित नियोजन कर ले, कहीं कोई पानी की कोई कमी नहीं खेती के लिए पड़ सकती, और इस 11% भूमि पर उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान देश के लिए कुल खाद्यान्न की आपूर्ति का 20% आपूर्ति जो अभी उत्तर प्रदेश करता है, और उस 20% आपूर्ति के और उस क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के अंदर महसूस होती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्षमता है कि वह इसको आगे बढ़ा सके, और इसलिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को द्वारा प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इसके लिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना पड़ेगा, और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम कृषि विकास की दर को बढ़ाएं, और कृषि विकास दर की दर को बढ़ाने में एफपीओज और तकनीक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है, वह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार ने किसान प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज आप देख रहे होंगे राज्य सरकार के द्वारा 2 कृषि विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा 2 कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर 75 जनपद है, लेकिन 75 जनपदों में हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हो रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र 2017 के पहले जिस जर्जर स्थिति में थे, आज आप देख रहे होंगे कि वहां पर हरेक कृषि विज्ञान केंद्र में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के कार्यक्रम किसानों के लिए चल रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन होते हैं, उनके सामने बताया जाता है, और इसी में एक नया कॉन्सेप्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अन्नदाता किसानों को लिए दिया है, और वह जो दिया है वह है नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन का, प्राकृतिक खेती का। प्राकृतिक खेती में जो हो जाता है, इस बार आपने देखा होगा देर से मानसून आए, लेकिन देर से मानसून आने के बाद जिन अन्नदाता किसानों ने पहले से ही व्यवस्था की थी नेचुरल फार्मिंग से जुड़े थे, कम सिंचाई में उनके उत्पादकता अच्छी थी, बहुत असर नहीं पड़ रहा था। अक्टूबर में इस बार मानसून आता हुआ दिखाई दिया, बहुत लेट था, और जब आया तो इतनी ज्यादा बारिश थी उस समय की उसने नुकसान ज्यादा किया, लेकिन उस सबके बावजूद किसानों की हिम्मत थी, वे उससे डटे रहे, काम करते रहे, लेकिन
यह एक हम सबके सामने उदाहरण है कि अगर एक एकड़ खेती में किसी किसान को फर्टिलाइजर केमिकल और पेस्टिसाइड में 15,000 का एक खर्चा आता है फर्टिलाइजर केमिकल और पेस्टिसाइड में, तो नेचुरल फार्मिंग में जब वो खेती करता है तो प्राकृतिक खेती में यह लागत मात्र 1,000 रुपये आती है। यानी कुल 14,000 की बचत एक एकड़ खेती में एक किसान को केवल अपनी सामान्य स्थितियों में ही आ सकता है। और उत्पादकता अगर समय समय पर हम उस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो उतनी ही अच्छी उत्पादकता भी बनी रहती है। दूसरा, हमने इसको सर्टिफिकेशन की कार्रवाई के साथ भी जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की है। हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इससे आएगा, इसके लिए प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी स्तर पर एक लैब की स्थापना होनी चाहिए, साथ साथ हर कृषि विज्ञान केंद्र में भी हम लैब स्थापित करें जहां पर इससे सर्टिफिकेशन की कार्रवाई हो, वहां पर हम सर्टिफाई करें ये जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, मार्केट में उसके दाम अच्छे मिलेंगे। और प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों ने इस दिशा में अच्छे प्रयास प्रारंभ किए हैं। प्रदेश के सभी गंगा के तटवर्ती 27 जनपद और बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों में हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को भारत सरकार के साथ मिलकर के मिशन मोड में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस पर हम कार्य कर सकते हैं। इसमें औद्योगिक फसलों को भी लिया गया है, इसमें अन्य वेजिटेबल आदि को भी लिया गया है। प्रदेश के अंदर हरेक क्षेत्र में हमारे पास संभावना है और खासतौर पर हमें इस बात को ध्यान में रखने की अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब पूरी दुनिया पशु की अकेले सेक्टर था जो कोरोना जैसी महामारी के सामने डट करके लड़ रहा था, कार्य कर रहा था, और कृषि क्षेत्र था जिसने विकास की दर को जरूर नहीं किया। और इसीलिए अगर कृषि क्षेत्र भी उसी प्रकार से कोरोना के सामने पशु हो गया होता, भुखमरी की स्थिति आ गई, भुखमरी की स्थिति हमारे अन्नदाता किसानों ने नहीं आने दी। और उसका परिणाम है कि आज हरेक क्षेत्र में एक नया विश्वास जगा है, ढेर सारी संभावनाएं हम सब फसलें ले सकते हैं और औद्योगिक फसलों को आगे बढ़ा सकते हैं, सब्जी आदि उत्पादन के माध्यम से और उसके एक्सपोर्ट प्रमोशन की कार्रवाई को जोड़ने के लिए हम इस दिशा में अच्छे प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं, पशुपालन को बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पर लगी हुई प्रदर्शनी बहुत कुछ संदेशों के माध्यम से देख लीजिए है। तकनीक के माध्यम से भी आज के समय में अन्नदाता किसानों को पेस्टिसाइड या जीवामृत को हो या इनके छिड़काव के लिए उसे मैनुअली कार्य करने के बजाय अगर ड्रोन का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं तो ढेर सारी उससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि उनकी लागत भी उसमें कम पड़ेगी। इन सभी के बारे में प्रशिक्षण देना, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज टूरिज्म की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई है, उत्तर प्रदेश उस संभावना वाला प्रदेश है। और आज इसमें से जिन अन्नदाता किसानों को आज यहाँ पर जिन एनजीओस को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि वे सभी प्रगतिशील किसान केवल अपने तक सीमित न रहे बल्कि अपने आसपास के अंदर कम से कम कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ करके अन्य अन्नदाता किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी सावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि चौधरी साहब के उन सभी संदेशों को जो देश हित में है, खेती किसानी के हित में है, उसे हम जन जन तक पहुंचा करके अन्नदाता किसानों की समृद्धि के माध्यम से भारत की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।